ओके, टच करिए, टच क्लोज, थर्ड थर्ड कैसे है मेरा, ये तीन फिंगर एक साथ है और क्लोज, फोर्थ फिंगर ऊपर, फिफ्थ है, दैट इज फिफ्थ ऐसे करिए, ओनली फिफ्थ फिंगर ऊपर, फोर्थ टच, ये पूरी तरीके से देखिए आप रॉन्ग, कोई भी फिंगर को इस तरीके से आप ऊपर निकाल रहे जो कि नहीं है, क्योंकि जैसे यून करना तो यून निकलेगा, यून करना तो यून, मतलब फिक्स रहेगा, मतलब फिक्स रहेगा, बाकी की सारे फिंगर्स फिक्स रहेंगे। नो प्रॉब्लम, आप धीरे धीरे करते रहेंगे, ठीक है, ये करना, आप ये करो, लास्ट वाले फिंगर को आपस में राउंड करो, सेकेंड फिंगर को राउंड करके टच करें, ओनली सेकेंड फिंगर को सिर्फ ओपन करना, लाइक दिस, और सारी आपकी क्यों फैल रही है ऐसे करके, ओनली और ओनली लास्ट सेकेंड, मेरे पास लगिया हुआ, ये सारी फिंगर को टच करिए और इस फिंगर को ओपन करके आपको इस तरीके से करना और बाकी फिंगर को टच करा के रखना है, ओके। अब थर्ड फिंगर को टच कराए, टच ओपन करके डाउन करा, टच टच करो, फर्स्ट फ्लोर, मॉर्निंग ये जब जब आपको वीकनेस और गूगल सर्फिंग ज्यादा हो रही है, मन नहीं मान रहा है या कुछ भी आपको ऐसा लगता है, लैक ऑफ इंटरेस्ट, कॉन्सेंट्रेशन, ये एक तरीके से ब्रेन को ट्रेंड किया जाता है, ब्रेन को शार्प किया जाता है, ठीक है, और वीकनेस के लिए वीकनेस है तो भी आप इसके आपको जस्ट अपोजिट करना है, जस्ट अपोजिट, फिंगर को टच करते रहो, अब आप अपने स्टमक को कितने बार करना है, कम से कम 10 times, 10 times, वो तीनों एक्सरसाइज, हर एक एक्सरसाइज जो मैंने बताई, हर एक्सरसाइज 10 times अपने स्टमक को एक्सरसाइज करें और अपने इसमें और एक साथ ये सारे काम होने चाहिए, इसको सहलाना और उसे मारना, ठीक है, और उसके बाद अपोजिट करने से सहलाना और सहलाना, रुकना नहीं कि ये रुक रहे हैं, ये एक साथ काम होना चाहिए, ये तो आप, ये आपको एक्सरसाइज करती है जब आपको आपकी कॉन्सेंट्रेशन में आपको लगता है लैक ऑफ, मतलब काम करने में मन नहीं लग रहा, किसी चीज़ में मन नहीं लग रहा, तो आपको ये एक्सरसाइज करनी है और ये एक्सरसाइज तभी करें जब आपको वीकनेस आए, जब आप टायर्डनेस हो या फिर आपको लगे कि मन कुछ अजीब लग रहा है, तो ये ब्रेन को शार्प करता है जिससे हमारे निगेटिव थाट्स ब्लॉक्स होते हैं, ठीक है, वो आपके थॉट्स ब्लॉक्स होंगे, आप इसको कंटिन्यू करिए या आपको वीडियो आपको सेंड